नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है लाल शैवाल और भूरे शैवाल में अंतर लिखिए। तो चलो आइए देखते हैं लाल शैवाल और भूरे शैवाल में क्या अंतर होता है। पहले हम लाल शैवाल या फिर लाल रंग के शैवालों के बारे में इनके कुछ पॉइंटों को देखते हैं कि लाल शैवाल में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती हैं। पहला पॉइंट है इनका लाल रंग इनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक फाइकोइरिथिन के कारण होता है। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल एवं डी तथा फाइकोसाइनिन वर्णक भी पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो लाल शैवाल है उनमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है जनन अवस्था में अचल कोशिकाएं ही पाई जाती है। जल नहीं, इसको चल करना, ठीक है ना। जनन अवस्था में अचल कोशिकाएं ही पाई जाती है। चल कोशिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है। अगला पॉइंट है इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, यानी लाल शैवाल में जो भोजन स्टोरेज होता है, ठीक है, वो स्टार्च के रूप में, यानी किस स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। अगला पॉइंट है इनका लैंगिक जनन उगमस प्रकार का होता है, उदाहरण पोरफायरा फॉलिसाई फोर्निया। अब हम देखेंगे भूरे शैवाल के कुछ पॉइंट। भूरे शैवाल के अंतर्गत आने वाला पहला पॉइंट है फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण ये भूरे रंग के दिखाई देते हैं। यानी भूरे शैवाल भूरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं, फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल ए व सी और केरिटिन भी पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, जबकि लाल में क्या पाया जाता है, ए और डी और केरोटीन भी पाया जाता है। अगला पॉइंट है इनमें प्रजनन में द्विकशाभिकीय जल जन्यु पाए जाते हैं। इनकी एक कोशिका बड़ी तथा एक छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके भोज्य पदार्थों का संग्रहण मेनिटोल एवं लेमिनेरिन के रूप में होता है। अगला पॉइंट है इनका शरीर अचल बहुकोशिकीय शुकायत होता है तथा इनकी कोशिका भित्ति में एल्जेनिक एवं फ्यूसिनिक अम्ल का जमा होता है, उदाहरण में है लेमिनेरिया और सार्गासम। तो आपको लाल और भूरे शैवाल में अंतर के अंतर्गत इन पॉइंटों को याद रखना है। धन्यवाद।